हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिकरवाल, और आज अपन बात करेंगे खास तौर से, देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आरपीएससी के अंदर अभी चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो हैं इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहें या फिर अपन कहें काउंसलिंग, काउंसलिंग के ऊपर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। हो सकता है आज इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँ ताकि जितने भी डाउट होते हैं वो सभी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ पहले से भी अपन डिक्लेयर कर चुके हैं, उसके बावजूद भी नए नए स्टूडेंट्स होते हैं वो वीडियो को कंप्लीट देखते नहीं हैं या फिर नीचे लिंक में दिए उनको नहीं देखते, इसके कारण से उनमें डाउट्स आते हैं। फिर भी सभी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए कि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो और सभी स्टूडेंट्स ईजिली अपना जो काउंसलिंग वो करवा सके, इसलिए वापस से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि फर्स्ट ग्रेड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आरपीएससी में लगभग ख़त्म होने वाला है और हिंदी की अभी भी चल रही है और सेकंड ग्रेड का अभी स्टार्ट होने वाला है। तो सेकंड ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो सेकंड ग्रेड की जो काउंसलिंग है उनमें आपको याद रखना है कि विज्ञप्ति संख्या क्या है। स्कूल शिक्षा के लिए है, ये किसके लिए है? स्कूल शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए। तो यहां पर स्कूल शिक्षा की बात करें अपन, तो यहां पर विज्ञप्ति संख्या जो उनके सेकंड ग्रेड की आ जाएगी 01 01 परीक्षा ओब्लिक व ओब्लिक माध्यमिक शिक्षा ओब्लिक आरपीएससी ओब्लिक ईपी फर्स्ट ओब्लिक 2022 2023। ये आपकी क्या है? विज्ञप्ति संख्या है जो आपको डिटेल फॉर्म में फिलअप करनी पड़ेगी। तो वहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि सर इसकी विज्ञप्ति संख्या क्या है, तो ये विज्ञप्ति संख्या है। फर्स्ट ग्रेड वाले जो खास तौर से हिंदी की करवाने जा रहे हैं उनमें भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, सर विज्ञप्ति संख्या क्या है? तो ये है 02 परीक्षा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा आरपीएससी ईपी फर्स्ट 2022 2023, ये आपकी विज्ञप्ति संख्या है। और हिंदी की काउंसलिंग चल रही है तो हिंदी के कई बार पूछते हैं पद कोड क्या है सभी स्टूडेंट्स, तो भाई पद कोड है वो 8 है इसके हिंदी सब्जेक्ट के, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग या सेकेंड ग्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे इसका इन्होंने तो भर चुके हैं काफ़ी, लेकिन अपन सेकेंड ग्रेड के ज़्यादा फोकस करते हैं कि जो बचे हुए रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर अभी जो स्टार्ट होने वाले हैं उनमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनको तैयार रखनी है। इनकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है उससे 7 दिन पहले, सात दिन पहले आपकी जो भी डेट अनाउंस हुई है कि इस डेट को आपकी काउंसलिंग है उसके 7 दिन पहले आपका जो अपन ये कहें काउंसलिंग लेटर वो क्या होगा? डाउनलोड, वो आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिन पहले? 7 दिन पहले आप काउंसलिंग लेटर है वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना। उसी के साथ में अपन कहें एक डिटेल फॉर्म आएगा, ये भी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है और साथ में आपको डिटेल फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। डिटेल फॉर्म की कितने सेट डाउनलोड कर ले हैं? 2 सेट में, ठीक है। एक एक सेट में शायद 8 पेज हैं तो 2 सेट कर लेना। इसमें तो एक ही सेट काफ़ी है काउंसलिंग लेटर का, तो काउंसलिंग लेटर का 1 सेट, डिटेल फॉर्म का 2 सेट होना चाहिए। दोनों सेट को निकालने के बाद में आप इसको फिलअप करना है, क्या करना आपको इसको भरना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए या कौन से कन्फ्यूजन में आप डाउट होता है आपको या कौन से कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्यूमेंट आवश्यकता है या नहीं है। तो सबसे पहले देखें अपन, तो एक लेटर आपके काउंसलिंग लेटर होना चाहिए, ये होना चाहिए फर्स्ट। इसका जो सेकंड या थर्ड पेज जो आता है उसको आपको फिल करना है, उसको आपको फिल करना है। कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं उसमें? कि आपके 10th की मार्कशीट लगाई है, सर्टिफिकेट लगाया है, कौन से पेज नंबर पर लगाया है? 1 नंबर पर लगाया है। फिर 12th का लगाया है कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। जैसे BA या BSc का लगाया है 3 4 5, क्योंकि 3 मार्कशीट आती है तो 3 4 5 पे। फिर जैसे मान लो कि MA का लगाया आपने तो 6 और 7 आ जाएगा क्योंकि 2 मार्कशीट आती है, एक BA एक उसकी वो आती है डिग्री आती है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगी। सेम BA का अगर अपन ऐसे ही डिग्री का लगाएं इनके साथ साथ,
तो जो भी आप लगाओगे, जैसे डिग्री का लगाएगा तो यहाँ पर 6 इसी का आ जाएगा, इसी की डिग्री आएगी इसके साथ। तो ऐसे आप सीक्वेंस नंबर डालते हुए आपको इसको फिलअप करना है वन सेट को। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसकी दो कॉपी में आपको फिलअप करना है। 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर ले लेना भाई, 50 रुपये का केवल एक पोस्टल ऑर्डर की आपको आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि दो डिटेल फॉर्म है तो दो पोस्टल ऑर्डर भरने हैं, एक ही पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए और दोनों में सेम ही पोस्टल ऑर्डर के नंबर डाल देना। फर्स्ट वाले में भी वही नंबर डाल देना, सेकंड वाले में भी वही नंबर डाल देना, एक ही पोस्टल ऑर्डर, ठीक है, वो आपको साथ रखना है। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म निकालना है और उसमें जो जो आवश्यकता है वो आपको देखना है। मैं इसी के साथ में आपको अगले वीडियो में बता भी दूंगा कि कैसे फिलअप करना है, लेकिन उसमें कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं। जैसे सिंपल सा प्रफॉर्मा है आपके सामने, वो फॉर्म आता है कुछ इस प्रकार से, पेज आता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे फ़ोटो का कॉलम आएगा, फ़ोटो लगा दिया, आपके रोल नंबर का कॉलम आएगा, यहाँ पर रोल नंबर फिल कर दिया, एप्लीकेशन नंबर आपको भरने हैं वो कर दिया, यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या का नंबर आएगा, विज्ञप्ति संख्या आपकी ये है सेकंड ग्रेड की, ये इसमें से फिलअप कर देना है यहाँ पर। इस प्रकार से आपकी विभाग कौन सा है, तो आप कह सकते हो माध्यमिक विभाग शिक्षा, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको भरते हुए चलना है। जिस कैटेगरी में आप हो उसके ऊपर टिक लगाना है और जिस कैटेगरी में नहीं हो उसे क्रॉस करना है। इसमें ये चीज़ें हैं कि जो आपके काबिल है उसमें आप टिक लगाना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्रॉस करते हुए इस फॉर्म को फिलअप करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ उसको देख लेना, मैं बना दूंगा, इसमें डाल दूंगा और भी, ठीक है। डिटेल फॉर्म को ऐसे आपको फिलअप करना है, एक पोस्टल ऑर्डर आ जाएगा, वो यहाँ पर इसका नंबर डलेगा इस फोटो के जस्ट नीचे, पोस्टल ऑर्डर नंबर, तो वो इसके डाल देना पोस्टल ऑर्डर नंबर। अब आपको क्या क्या चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देख लेना भाई, अगर मार्कशीट के साइज अगर आपको ऐसे लगे, दो प्रकार की मार्कशीट है, एक इस पेज में और एक इस पेज में। अगर इस पेज में है तो इसका मतलब इसका सर्टिफिकेट अलग आएगा, अगर इस पेज में है तो ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों इसके अंदर, तो ये रहेगा तब तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ इसी में है। अगर ये है तो इसका सर्टिफिकेट आप इशू करवा लेना अपने स्कूल से, आपके पास होगा या नहीं है तो भी इशू करवा लेना। तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगवाना है, ठीक है। सेकंड, आपको 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना, सेम यही रूल रहेगा। बीए और बीएससी की मार्कशीट, तीन तो मार्कशीट आ जाएगी, और चौथी क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको क्या लेना है, यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल निकवा लेना है, ठीक है, प्रोविजनल जो है वो निकलवा लेना और वो लगा देना, किसकी जगह पर, डिग्री की जगह पर, ठीक है। अगला देखिए अपन, तो सेकंड ग्रेड की बात करें तो बीएड की आवश्यकता पड़ेगी आपको, तो बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री, डिग्री नहीं हो तो प्रोविजनल आप लगा देना, इसका चल जाएगा। आगे अपन देखें, एमए अगर आप फर्स्ट ग्रेड में हो, और या फिर आपने पहले भी डिटेल में अगर एमए डाला है तो एमए की मार्कशीट लगा देना और एमए की डिग्री या प्रोविजनल लगा देना। अब आपका मूल निवास, मूल निवास जो होता है वो हमेशा कहाँ का होता है, जहाँ अपना पेरेंटल घर होता है, पेरेंटल गांव होता है वहाँ का होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिस गांव से आप बिलोंग करते हो, जहाँ आपकी परवरिश हुई है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ का आपका मूल निवास होना चाहिए, खासतौर से पापा के नाम का होता है मूल निवास। जाति प्रमाण पत्र भी पिताजी के नाम का होता है। जाति प्रमाण पत्र की बात करें अपन, अगर आपको ये लगे कि जाति प्रमाण पत्र मेरी जो फॉर्म फिलअप किया था आपने इस सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का, उससे पहले का होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि उसके बाद का सर्टिफिकेट है, तो आपको इसके साथ में एक एफिडेविट लगवा देना। क्या समझ रहे हो आप, जाति प्रमाण पत्र आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उसके बाद का अगर आपके पास है, तो उसके साथ में एक सर्टिफिकेट एफिडेविट लगा देना, एक शपथ पत्र लगा देना कि ये मेरा एग्ज़ाम की बाद का है या फिर एग्ज़ाम फिलअप करने के बाद का है, ठीक है ना। वैकेंसी आई थी उसके बाद में आपने विज्ञप्ति में अप्लाई किया था, अप्लाई करने के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना है तो एफिडेविट लगा देना, एक साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपकी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाएगा। इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट हो तो बनवा लेना, और करंट में शादी हुई है महीने दो महीने में, तो आपको जो एफिडेविट है, शपथ पत्र है, वो लग जाएगा,
कि अभी मैंने शादी की है लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बन पाने के कारण से मैं यहाँ पर शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। ठीक है, ये लगा देना। इसके साथ अगर दूसरी चीज़, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड का कोई भी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है कि आप अनमैरिड हैं तो हैं, उसमें कोई भी विशेष आपके साथ में कोई भी अनमैरिड का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, ना ही कोई शपथ का उसका, मान ले दहेज का, धूम्रपान का, वो कोई नहीं मांगता उन चीज़ों का। पहले ऐसे था कि वो मांगते हैं लेकिन अभी कोई नहीं मांगता। मैं 3-4 बार जाके आ चुका हूँ काउंसलिंग के अंदर, कभी भी नहीं मांगते किसी भी चीज़ का कि आप अनमैरिड हो तो आप दहेज लोगे या नहीं लोगे, धूम्रपान करोगे या नहीं करोगे, वो सभी चीज़ें इसमें नहीं रखी जाती है इसलिए। और अगर आप फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप जो काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करोगे, काउंसलिंग लेटर में एक लिस्ट बन के आएगी पहले ही फर्स्ट पेज के ऊपर कि ये डॉक्यूमेंट होने कंपलसरी है, उसमें देख लेना आप, ये नाम से डायरेक्ट आएंगे, उसमें कहीं भी वो चीज़ें लिखी हुई नहीं आएगी, इसलिए उसमें कोई ज़्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। मैरिज सर्टिफिकेट या शपथ पत्र होना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ अपने देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो आपको संतान शपथ पत्र जरूर बना लेना कि 2002 से पहले का, 2002 से पहले की कितनी संतानें हैं, 2002 के बाद की कितनी संतानें हैं, टोटल कितनी संतानें हैं, मैं 2 से ज़्यादा अधिक संतानें नहीं करूँगा, वो सभी चीज़ें, चाहे आपके बच्चे हो चाहे ना हो लेकिन मैरिड होना चाहिए, तो आपको संतान शपथ पत्र लगाना आवश्यक है। ये याद रखना, वे सब संतान शपथ पत्र नोटरी वाले से बनवा लेना, वो अपने आप बना देगा, जो भी आपके बच्चे का नाम है, बच्चे हैं या नहीं है, नील है, ठीक है ना, वो लगा देगा, अपने आप बना देगा। दूसरी चीज़, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करते हो, काफ़ी ऐसे टीचर्स हैं, काफ़ी ऐसे अदर गवर्नमेंट पोस्टेड हैं, तो उन सभी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी डिपार्टमेंट से एनओसी ज़रूर लेके रखें, और वो एनओसी यहाँ पर कंपलसरी होती है। जो अपन बात करें काउंसलिंग लेटर, जब आपका काउंसलिंग लेटर आएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ आएगा एनओसी कंपलसरी है, अगर एनओसी आप नहीं देते हो तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा, इसलिए एनओसी ज़रूर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अन्य शपथ पत्र की बात करें अपन, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि सर अन्य शपथ पत्र कौन से चाहिए, मैंने बता दिया धूम्रपान का, अविवाहित होने का मैं डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ, वो सही है, वो भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये शपथ पत्र कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको, सीधे सीधे जो डिटेल काउंसलिंग लेटर में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वहीं लगाने हैं, और जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस ये आपको विशेष याद रखना, आपकी मार्कशीट से लेकर आपके मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, सभी चीज़ चेक कर लें, किसी में भी आपके नाम में, आपके पेरेंट के नाम में, आपके कोई भी डिटेल में अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है, स्पेस नहीं है, मीनिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, कोई भी चीज़ गलत है, तो उसके रिगार्डिंग आप शपथ पत्र जरूर प्रस्तुत करें, उसके रिगार्डिंग आप शपथ पत्र अभी बना लें नोटरी वाले से कि ये मेरी मिस्टेक्स हैं, और ऐसे लगे कि एक दो ही मिस्टेक्स है कोई, तो आप एक ही शपथ पत्र में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे डलवा के भी डला सकते हो कि जैसे मान लो मेरे नाम में है तो मेरे नाम में ये मिस्टेक है जबकि ये इसको सही माना जाए, मेरे पिताजी के नाम में ये मिस्टेक है और ये मेरे पिताजी का ओरिजिनल नाम है इसको सही माना जाए, और ऐसे करके पॉइंट वाइज भी आप डलवा सकते हो, तो ये आपके इसके शपथ पत्र बन जाएंगे। इसलिए अनमैरिड कैंडिडेट को, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड में किसी भी प्रकार के आपको संतान से संबंधित या फिर अपन कहें विवाह से संबंधित, धूम्रपान से संबंधित, दहेज से संबंधित कोई भी शपथ पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। काउंसलिंग लेटर में और भी डिटेल आएगी, उसमें लिस्ट बनी हुई आएगी, तो वो वैसे भी आप फिलअप कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको लगे कि एज काउंटिंग कैसे करनी है, तो आपको एज काउंटिंग करनी है 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग ही आपको काउंटिंग करनी है, क्योंकि मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है। उसके अलावा वो बात अलग है कि 40 साल के बाद में आपको रिलैक्सेशन है, किसी कैटेगरी में हो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन है या 10 साल का रिलैक्सेशन है, वो चीज़ें अलग है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है कि आपकी एज कितनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, काउंसलिंग लेटर को, इस प्रकार के आपको इनको सभी डॉक्यूमेंट्स को, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, इस प्रकार से आपको जैसे पेज सेट कर लिया आपने, सबसे पहले काउंसलिंग लेटर आ गया, उसके नीचे दो ये आ गए, उसके नीचे ये मार्कशीट आ गई, फोटोकॉपी, सब सभी फोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना भाई आप लोग, और जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट जो पेज है वहाँ पर एक स्टाम्प आएगा,
कि इसमें किसी भी जो गजेटेड अधिकारी है, कोई भी फर्स्ट ग्रेड का टीचर है या प्रिंसिपल है, उनकी यहाँ पर सिग्नेचर और उनकी पोस्ट होनी चाहिए। ये पुलिस वेरिफिकेशन का ही होता है, अलग से आपको पुलिस वेरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है, सब सेम प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस होने वाली है। दोनों फॉर्म पर सेम ही व्यक्ति के साइन चल जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दो डिटेल फॉर्म है तो दोनों के अलग अलग करवाने की आवश्यकता है, अलग अलग करवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लास्ट पेज में दो गारंटर का भी मांगते हैं नाम, तो दो गारंटर के नाम आपके नॉन जो भी हैं उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर आप लिख देना कि कहाँ से हैं ये। तो यहाँ पर वन और यहाँ पर सेकेंड, ये भी दोनों एप्लीकेशन फॉर्म में सेम डाल सकते हो आप, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म देखोगे तो आप डाल दोगे लास्ट वाले पेज के ऊपर, और फोटो आपको लगा देना, यहाँ लगा देना है, और एक जो वार्निंग एप्लीकेशन फॉर्म है पुलिस वेरिफिकेशन वाला, लास्ट दो पेज आते हैं उस पर भी लगा देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप लोग कर लेना। फिर भी किसी प्रकार के डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो कि क्या चीज़ें डाउट है। फिर भी मैंने इस वीडियो में टोटल आपका कवर करने की कोशिश की है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपके, ये डेट्स अकाउंटिंग करना है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चीज़ें हैं, ये आपकी विज्ञप्ति संख्या है, सभी चीज़ें इसमें मैंने शामिल की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर आप लोग अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके जिसको इस चीज़ का थोड़ा सा भी आवश्यकता हो। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।